मैं और चीकू गाना सुन रहा है, डिस्टर्ब नहीं करना नाना जी को। मदर्स डे वाले गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो अभी जो मैं हूँ साइट जा रहा हूँ, और साइट में अपना अनुपम नगर वाला जो साइट है वहाँ पे हमें टाइल्स वाले को बुलाया है। तो हमने जो टाइल्स वाले भैया को बुलाया जो है ना, वो भैया आएंगे अभी और उनको जो टाइल्स लगा के देना है, मतलब के मकान मालिक को, वो जो भी डिटेल है वो देंगे, उसके हिसाब से अपना टाइल्स वाला भैया जो है ना एस्टिमेट बताएगा, क्वांटिटी बताएगा मटेरियल का, ये सारी चीज़ें होगा। उसके बाद जो है ना अपन आगे का काम प्रोसीड करेंगे। और आज प्लम्बर को भी बुलाया है, उनको ब्रेकर मशीन का ज़रूरत था, कल रात को उन्होंने कॉल करके बताया, लेकिन ब्रेकर मशीन आज अवेलेबल नहीं होगा, कल अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जानकारी दे दिया हमें। और उसके अलावा हमको जाना है गुंडा वाला साइट में, जहाँ पे हमारा पाइप जो कल जो मिला नहीं है वो देना है। और उसके अलावा वहाँ का जो नल हमको लगा के दिया था जो टूट गया था, उसमें भी कुछ चीज़ें लगेगी सामान, वो सारे सामान जो है ना हम लोग को पहुँचाने के लिए बोला है। तो वो सारी चीज़ें अपन जो है ना पहुँचा करके देंगे। और भाई घर में देखो यार, ये रोड साइड में घर है बोल के ना इतना धूल लग गया। देखो दो दिन पहले गाड़ी धोया था और इतना धूल लग गया, फिर से मेरे को गाड़ी धोना पड़ेगा मालूम है, इतना धूल लग जाता। अब इसको कवर ववर डाल के ना ऐसे ढक के रखूँगा, तब जाके बनेगा भाई। चलो भाई जूता पहनते और निकलते अपन साइट के लिए। अरे जी स्कूबी, चल चल बेटा रुक जा, मेरे को जूता पहनने दे, जूता पहनने दे। अरे जूता पहनने दे, नहीं नहीं चढ़ना नहीं, तेरा ये चढ़ने की आदत अभी ठीक नहीं है, मेरा कपड़े गंदा कर देगा तू, अभी चढ़ना नहीं। तू सारे धूल वूल में खेल के आता है और मेरा कपड़ा गंदा कर देगा, वहीं रह। चलो भाई चलो अब निकलते हैं जल्दी से साइट के लिए। तो भाई लोग अपना जो साइट में जो सामान लगेगा, जैसे ये पाइप है, जो पाइप टूट गया था वो पाइप हमको लाना था, ये पाइप ला लिया है। मोटर के साथ लगाने के लिए हमारे पास 3 मीटर जो है ये वाला पाइप है, और उससे रिलेटेड जो भी सामान है जैसे फुटबॉल हो गया, और ये जो है ये इसके साथ लगेगा, जो अपना जो नल जो हमको लगा के दिया है उसमें लगाने के लिए, उसका जॉइंटर, उसका कनेक्टर। और अब हमको मिलना जो बाकी है वो इस टाइप का जो पाइप आता है ना 100 फीट वाला, वो पाइप बस हमको मिलना बाकी है। और वो पाइप जो है दोपहर तक आ जाएगा, तो फिर अपन जो है ना उसको लेके अपने पास रखेंगे, फिर उसके बाद जो है ना कल हम पहुंचाएंगे, आज नहीं पहुंचाएंगे भाई। ढूंढा से यहाँ आना जाना ना एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं, तो इसलिए अपन एक ही बार करेंगे उसको। तो भैया अलमारी जो भैया बना रहे हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अलमारी बनी है। तो ये जो अलमारी है ये बन चुका है, और अब जो है ना ये अलमारी को जो है ना फिनिशिंग और सूखने के लिए देंगे। कुछ दिन तक इसमें पानी डाल के जो है इसको सूखने देंगे, ताकि ये जैसे सूख जाता है ना इसकी मजबूती और बढ़ जाएगा। और अपना तोड़फोड़ का काम तो यहाँ चल ही रहा है, इसके बाद जो है ना ऊपर का तोड़फोड़ का काम चालू करेंगे। तो भाई अभी अपना इंजीनियर को जो है ना अपन के पूरा सब जानकारी जो है ना ये देने जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे भी जो है ना ये तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग, ये देखो ये दरवाजा, ये जो दीवार है ये तोड़ दिया है, और ये तोड़ते तोड़ते पता चल रहा है कि इसके अंदर में ना ये वाला पाइप निकला है, और ये ना आउटलेट पाइप है और इसमें छेद हो गया। अब बताइए दीवार के अंदर में कोई पाइप आता तो पता ही नहीं चलता इसके अंदर में कोई पाइप है करके, और ये वाला दीवार टूट गया है, अंदर का चिपिंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अब इनको जानकारी दे देता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। 8 फीट 2 इंची और ये 14 फीट है क्या या 16 14? 15 फीट 8 इंच। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई, 1 फीट 8 इंच का फर्क है। ठीक है, अब ये आपका स्लैब का हाइट देख लो, वो तो 2 है ना, 2 है, प्लास्टर के वजह से आगे निकला 2 फीट, तो सवा 2 फीट 3 इंच डाल दो, 2 फीट 3 आपका स्लैब जो है ना वो हुआ है। सुनो ना, ये स्लैब हाइट देखना है, देखना यार, यार ये तो इधर से देखना आप, बॉटम से देखना। तो भाई अपना बंदे लोग जो है ना यहाँ पे प्लास्टर जो रिपेयरिंग जो हमारा काम है वो काम से कर रहे हैं अपने बंदे लोग, और इंजीनियर जो जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर,
उनसे मैंने पूरा इसका जो नाप वाप जो भी करवाना है वो तो सब तो मैंने करवा दिया हूँ और उनको समझा भी दिया हूँ कि कौन सा काम इन लोग करने के लिए बोल रहा है। इसके अलावा हमारे जो तोड़ फोड़ वाले बंदे उसको मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल दिया हूँ, भाई ये सब तोड़, ये कौन सा चीज़ें तोड़ना, क्लाइंट ये तोड़ दो वो तोड़ दो करके सब चीज़ें बोल दिया। उन्होंने तो कॉलम तक तोड़ने, अब वो कॉलम जो है घर का जो स्ट्रक्चर के साथ में मिला हुआ है, अगर उसको तोड़ देंगे इसको तोड़ देंगे पूरा जो स्लैब है ना वो गिर जाए, तो उसको ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए अपन क्या है उनको मना कर दिया उस चीज़ को तोड़ना। ये देखो ये कॉलम आया हुआ है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, और ये तोड़ने के लिए क्लाइंट ने बोला था तो अपन ने उसको कैंसिल किया है। अभी बोल दिया भैया उसको तोड़ना मत, क्योंकि अगर उसको तोड़ दिया और स्ट्रक्चर कहीं नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ है जो है ना क्लाइंट अपने हिसाब से नहीं तोड़वाना चाहिए, उसके लिए इंजीनियर के साथ में डिस्कशन कर। अगर इंजीनियर नहीं है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है भाई, तो कम से कम वहाँ का जो ठेकेदार है या हम लोग जैसे ठेकेदार हो गया, सुपरवाइज़र हो गया हमारे ऐसे, तो हम लोग से कम सजेशन तो ले लो। उसके बाद आप जो है ना लेबर को बोला करो, लेबर को ले जाके अपन लेबर दिया है मतलब ये आप अपने हिसाब से काम, ये ऐसा कभी नहीं। ये सब चीज़ें जो है ना क्लाइंट कर रहा है वो सब गलत चीज़ें होती है, उससे क्या है स्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम आ जाता है। चीकू गाना सुनते सुनते अपना पेट को कैसे मटका रहा है, देखो 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 लेटे लेटे डांस कर रहा है वो। नहीं ऐसे नहीं भाई, अभी डांस कर रहा है। हां ओए 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 गाना सुन रहा है। और कौन सा गाना सुन रहा है? मलयालम गाना सुन रहा है मालूम है, पूरा मलयालम गाना है ना चीकू, पूरा मलयालम गाना सुन रहा है चीकू। चीकू गाना सुनना सीख गया है। हां दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है ना। हां ये भी आ रहा है। तेरे को ना हेडफोन वाला लगाना चाहिए, कोई वाला नहीं, और लगाने देता भी नहीं है और वापस ले भी ले रहा है, देता भी है उसके बाद वापस ले भी लेते हैं। ये देखना जैसे लगाऊंगा ले लेगा।